ये कथा देवी दुर्गा की शक्ति और उनके द्वारा शुंभ और निशुंभ नामक दो महाबली असुरों के वध से जुड़ी है। ये कथा मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में विस्तार से वर्णित है। शुंभ और निशुंभ दो शक्तिशाली असुर भाई थे जिन्होंने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण वो अजय हो गए और उन्होंने तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। दोनों भाई बहुत अहंकारी और अत्याचारी थे। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवता असहाय हो गए और वो धरती पर भीषण कष्ट झेलने लगे। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु और शिव से मदद मांगी, लेकिन वरदान के कारण शुंभ और निशुंभ को कोई देवता परास्त नहीं कर सकता था। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी पार्वती से प्रार्थना की कि वो उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। देवी पार्वती ने उनकी प्रार्थना सुनी और अपनी तेजस्वी शक्ति को प्रकट किया, जिसे कौशिकी या महादुर्गा कहा जाता है। ये रूप अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और तेजोमयी था। जब शुंभ ने देवी के सुंदर रूप के बारे में सुना तो वो उनके रूप पर मोहित हो गया। उसने अपने दूत सुग्रीव को देवी के पास भेजा और विवाह का प्रस्ताव दिया। देवी दुर्गा ने दूत को ये संदेश दिया कि वो केवल उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके। जब शुंभ ने यह संदेश सुना तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपने भाई निशुंभ के साथ देवी को बलपूर्वक लाने का निश्चय किया। शुंभ और निशुंभ ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी को पकड़ने के लिए भेजा। धूम्रलोचन और उसकी सेना को देवी ने अपने तीव्र प्रहारों से मार गिराया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने अपनी संपूर्ण सेना को देवी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसमें शक्तिशाली असुर जैसे चंड, मुंड, रक्तबीज आदि थे। देवी दुर्गा ने अपने उग्र रूप चामुंडा काली को उत्पन्न किया, जिसने चंड और मुंड का वध कर दिया। इस कारण उन्हें चामुंडा कहा जाने लगा। आखिरकार स्वयं शुंभ और निशुंभ देवी से युद्ध करने आए। निशुंभ को देवी ने वीरतापूर्वक युद्ध में परास्त कर मार डाला। उसके बाद शुंभ ने देवी को चुनौती दी और कहा कि वो अपने सभी देवताओं की मदद से लड़ रही हैं। तब देवी ने हंसते हुए कहा, ये सभी शक्तियाँ तो मेरी ही हैं, और उन्होंने अपनी सभी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसके बाद देवी दुर्गा और शुंभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवी ने शुंभ को मार गिराया और देवताओं को उनके कष्ट से मुक्त किया। देवताओं ने देवी दुर्गा के इस विजय पर उनकी स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। महत्व: शुंभ निशुंभ का वध अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी संसार में अत्याचार और अधर्म बढ़ता है, तब देवी शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के इन रूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को शक्ति, साहस और अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिलती है।